सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है चिकन वाइट कढ़ाई। जो रेड वाली कढ़ाई होती है टमाटर वाली, वो तो हम अक्सर बनाते ही हैं और थोड़ा सा उसको बनाना इस कढ़ाई के कंपैरिजन में मुश्किल होता है। ये कढ़ाई बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है विद बोन लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था। अब इसका पानी निचड़ चुका है और इसके अंदर जो ग्रेवी बनेगी वो दही से और प्याज से बनेगी, तो इसलिए दही थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। 1/2 किलो मैंने दही ली है, एक फ्रेश क्रीम का मैंने पैकेट लिया है 250 ml वाला। उसके अलावा 3 थोड़े छोटे साइज़ की प्याज और 6 हरी मिर्चों को लेके मैंने उनको पीस के इनका एक पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया लिया है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं मैंने और 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने लंबाई में काट लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने ली है सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। तो बहुत आसान रेसिपी, आइए हम झटपट इसको बनाते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा ऑयल में भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 ही कप लिया है, आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं अपने चिकन के पीसेस को और इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि जो हमारा चिकन है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन अपना काफ़ी पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसकी फ्लेम को लो नहीं करेंगे। तो चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन भी होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो हमने हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था वो थोड़ी देर हम इसको भी फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए और अगर कम खाते हैं तो थोड़ी कम कर लीजिए। तो मीडियम ही फ्लेम पे मैं इसको थोड़ी देर पका लेती हूँ। तो प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें जो काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको ऐसे ही चलाते हुए पका लूँगी। तो देखिए, हमने प्याज को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है और इसमें से जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने सूखे मसाले। गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, आप चाहें तो दरदरी कुटी हुई भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 2 मिनट सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करके भून लेती हूँ। तो 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, देख लीजिए हमारा मसाला कितना अच्छा भून गया है, बिल्कुल इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही को। दही को हल्का सा आप फेंट लीजिएगा। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। चिकन हमारा वैसे हाफ डन हो चुका है क्योंकि हम इसको काफ़ी देर से भून रहे हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 2 मिनट में इसको पहले ऐसे ही पकाऊंगी। फ्लेम मेरी अभी तक मीडियम है, मैंने लो नहीं की है। दही डालकर मैंने 2 मिनट इसको पका लिया है। अभी चिकन को हमें गलाना है तो थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। तकरीबन मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ।
अब मैं इसको कवर करके इतना पकाऊंगी, फ्लेम अपनी लो कर दूंगी जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो चिकन जो है वो हमारा गल गया है और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। तो ये आपकी पसंद के ऊपर है कि आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं। तो थोड़ी देर अगर जब हम इसको रखते हैं तो ये वैसे भी काफ़ी थिक हो जाती है। तो बस अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ क्रीम। क्रीम डाल के बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, मिक्स कर लेती हूँ। अब डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक, और हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। आप चाहें तो हरी मिर्चों को दो टुकड़ों में करके या फिर बीच में से स्लेट करके भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मैं इसलिए ऐसे ही डाल रही हूँ। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ देती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि गरम मसाला अगर हम पहले डाल देते हैं तो फिर जो हमारी ग्रेवी है उसका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है। तो ये रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए तैयार है हमारी चिकन वाइट कढ़ाई, कितनी ज़बरदस्त ये नज़र आ रही है, इतनी खुशबूदार और जायकेदार ये बनी है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।